अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये है रमाला से टांडा वाला रूट, और ये रास्ता जो है जाता है वाया नंगल कुर्डी होते हुए छपरौली, और छपरौली से हम जो है बड़ोद चले जाते हैं, और ये रास्ता जो जाता है ये चला जाता है हरियाणा कैराना से होते हुए पानीपत। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। तो मैं आपको आज लेके चल रही हूँ उस यमुना के पुल पर जो अभी अभी बना है, और जहाँ से यूपी का और हरियाणा का रास्ते का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, ये आ गया है अभी टांडा गांव। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलूँगी उस जगह पे जहाँ से वो पुल स्टार्ट होता है और वो रास्ता अंदर की तरफ जाता है। कैसे आप सब लोग, गुड मॉर्निंग। और आज जो है देखो दिख रहा होगा पीछे मैं कहाँ खड़ी हुई, मैं एक स्पेशल जगह लेके आई हूँ आप लोगों को। मुझे बताना था यहाँ पे ना कि अब जो है ये हाईवे जा रहा है यूपी से हरियाणा जाने के लिए, और दिल्ली से जो लोग आते हैं ठीक है उनको पहले दूर पड़ता था कांधला या शामली से जाना पड़ता था कैराना से होते हुए। तो अब जो है ये हाईवे बन रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं आगे भी लेके जाऊंगी। तो ये आगे जाके जमुना जब आ जाती है तो वहाँ पे जो है जो पुल बन रहा है वो कितना बड़ा है और कैसा रास्ता है मैं आप लोगों को अभी लेके चलूंगी। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये जो रास्ता है ये है, देखो अभी दिखाती हूँ। अभी ये जो रास्ता है ना ये रास्ता आ रहा है जैसे रमाला से अंदर तुगाना होते हुए जो मैं अभी आपको लेके आई हूँ वो वाला रास्ता है। और अगर इधर चले जाते हैं ना तो ये वाला रास्ता जो है ना जो इधर है ठीक है, ये रास्ता वो है जो आप जैसे दिल्ली से आते हैं ना तो आपको बड़ौद आना पड़ेगा और छपरौली चुंगी जैसे आएगी तो आप लोगों को छपरौली चुंगी से अंदर आना है। तो ये रास्ता वो है जो छपरौली से आया हुआ है, छपरौली से होते हुए आप यहाँ आएंगे और जैसे आप यहाँ आएंगे तो बीच में कुर्डी और नंगल एक गाँव है, कुर्डी और नंगल के बीच में जो है ये रास्ता कटा हुआ है जो आपको जमुना के उस पुल पे लेके जाएगा जो आपको हरियाणा पहुँचा देगा। और चलो अब मैं आपको जो है दिखाऊंगी कि वो हरियाणा का पुल कैसा और कितना बड़ा, वो बहुत बड़ा पुल है, मैं खुद उसको देखना चाहती थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलिए चल। तो वहाँ से निकलते ही लगभग 500 मीटर चलने के बाद कुछ ऐसा रोड आएगा और उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में आने वाला है वो पुल, और वो पुल इतना बड़ा और इतना चौड़ा इतना शानदार बनाया है। अब देखो यहाँ से हो गया है वो पुल स्टार्ट। अब आप ये लगाओ कि आपको बस थोड़ी सी देर बाद हरियाणा में आप पहुंच जाओगे। लगभग सारा ही रास्ता जो यहाँ से पड़ता है 1.5 से 2 किलोमीटर का है, और ये पुल काफ़ी चौड़ा है। इसकी चौड़ाई मैंने आगे आप लोगों को जो है वीडियो में बताई हुई है, और इसकी जो है लंबाई भी बताई हुई है। ये देखिए जमुना, तो यहाँ से जो ये पुल बनाया है इस पुल से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है इससे। मतलब लगभग पानीपत का जो है, देखो ये जो मैं आई हूँ ना इधर से, ये मैं आई हूँ कुर्डी नंगल वाली रोड से, और ये बीच में इतना चौड़ा जो है जमुना है जो यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो इधर रास्ता है ये वाला है जो अब मैं जाऊँगी। अब जो है मैं इस पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई हूँ, और जो है अब मैं आपको लेके चलूँगी कि इस पुल को क्रॉस करते ही हरियाणा में हम कहाँ पर एंट्री करते हैं और वो कौन सी जगह है और वहाँ पर कैसा लगता है एंट्री करने के बाद। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए। अब देखो मैं कितनी सी देर में लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके और मैं हरियाणा में खड़ी हूँ। कुर्डी नंगल के बीच से जो रास्ता कटा था वो मैंने आपको बताया था, और अब जो है मैं हरियाणा में आ गई और ये इस साइड से मैं आई हूँ। और आते ही यहाँ पे जो है मतलब ठीक ठाक बसावट है, ऐसा नहीं है कि कोई जंगल है या कुछ है, तो गाँव स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से आते ही। तो ये मुझे यहाँ पे ना फिर एक ढाबा मिला है तो मैंने सोचा भाई आए हैं तो हरियाणा में चाय पी के जाएंगे। तो ये
एरिया कौन सा, ये कौन सा ही है जहाँ पे हम खड़े हैं? हरियाणा होगा ये, हरियाणा कोटर। अच्छा, तो ये अब जैसे हम आए अभी नांगल कोडी के बीच से जो रास्ता कट के आए हैं वहाँ से आए हैं, तो ये सबसे पहले क्या पड़ता है? ये यहाँ पे हरियाणा की जमीन, बिलासपुर की जमीन, बिलासपुर की जमीन। और सामने बिल्कुल आटा गाँव, आटा गाँव। और आटे के बाद संभाल का जाएगा? नहीं, उसके बाद डिगाड़ लाएगा, डिगाड़ के बाद पाउटी गाँव, फिर संभाल का। अच्छा, तो मतलब अब देख लो कितने कम समय में आते हैं जिसे हरियाणा में मिल जाएंगे इस सिर्फ एक पुल की वजह से। तो अब मैंने सोचा हरियाणा के भी आ गए हैं तो चाय तो पी के जाएंगे, तो अब मैं यहाँ पे पीऊँगी चाय और फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। तो भाई अब जो है थोड़ा सा और आगे जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं आपको और थोड़ा बताऊंगी उस पुल के बारे में। मुझे तो यहाँ पे आके मतलब बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना पास है, बहुत पास जो है आपका एक पुल क्रॉस करते ही मतलब उधर यूपी और इधर हरियाणा है। तो अभी मिलेंगे और करते हैं थोड़ी सी देर और चाय वाय पी के थोड़ा सी और बात करेंगे। पुल पे जाके दिखाऊंगी पूरा पुल आपको, कुछ तो मैंने दिखाई दिया है उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है वो मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगी, है ना। तो बस यूपी से आज हरियाणा बड़ी ऐसी चुटकी। अब जो है मैं हरियाणा की चाय वाय पी के अब थोड़ी सी आपसे करूँगी बात। तो भाई ये जो पुल है ना, इस पुल की जो लंबाई है जहाँ से हम वहाँ से मैंने जो आपको एंट्री दिखाई थी और यहाँ मैं एंड पे खड़ी हुई हूँ बिल्कुल, तो इसकी जो लंबाई है वो है 942 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर ही मान के चलो। और जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है इस पुल की चौड़ाई। तो अगर दिल्ली से लोग बाग आते हैं थे पहले, जैसे कांधला से कैराना होते हुए जाना पड़ता था या फिर वहीं से जाते थे पानीपत जाना पड़ता था, तो बालगढ़ से होते हुए जाते थे तो वो लंबा पड़ता था रास्ता। अब क्या है, बड़ौत आएंगे, बड़ौत से जो है छपरौली, चुंगी से छपरौली आएंगे, छपरौली से अपना जो है कुर्री क्रॉस करते ही वो रास्ता कट जाता है। और बस जैसा मैंने बताया पुल की लंबाई इतनी है, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो है आपका हरियाणा आ जाता है। आटा गांव और एक दो गांव ऐसे है जो स्टार्ट हो जाता है, और पानीपत यहां से जब हम जहां यहां अभी जैसे मैं रुकी हूं लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई इससे बढ़िया और क्या ही मिलेगा, इतना बढ़िया मतलब मुझे लगा है ये कि इतना अच्छा रास्ता। अच्छा, अभी जैसे ये तो दिल्ली वालों की बात हो गई, अब इधर जैसे पानीपत से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो काम को लेके जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्तेदारी को लेके जुड़े हुए हैं, चाहे जैसे भी। तो जो इधर ये पड़ता है टांडा हुआ, तुगाना हुआ, कीठल हुआ, रमाला, या फिर आगे दो घट पुसार किसी को जाना है, तो इस वाले रूट से भी उनको कितना पास पड़ता है, उन्हें भी पहले किराना से जाना पड़ता था उस पुल से, तो वो काफ़ी डिस्टेंस था। तो भाई आज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये जगह मैंने आपको दिखाई कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके आसपास है कोई और ऐसी जगह तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ भी जाके आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए किसी और जगह पर अच्छी सी, तो तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।